अस्सलाम वालेकुम। बात हो रही थी आज किसी जगह, हम बैठे हुए थे किसी मीटिंग में, तो बात कर रहे थे टीम बिल्डिंग की। तो मैं ये सोच रही थी कि टीम बिल्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। हम फैमिलीज में देख लें, जब मैं कंफ्लिक्ट की बात करती हूँ तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कंफ्लिक्ट की वजह से, अपनी ईगो की वजह से एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करते रहते हैं। वो लोग कभी ये नहीं सोचते कि हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। मैं ना बहुत बिग फैन हूँ, जब भी मैं किसी चीज़ को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि कोऑर्डिनेशन बहुत है। जैसे अभी ये देखें, ये मैं फाउंटेन देख रही थी, जब ये चलते हैं कितनी कोऑर्डिनेशन के साथ चलते हैं, ये पानी कितनी कोऑर्डिनेशन के साथ बहता है। इसी तरह से जब इंसान है ना, इंसान बना ही इस तरह से है, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करे। हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते हैं? हमेशा वही टीम्स अच्छी होती हैं जिसमें हर तरह की पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे ड्राइवर हों, ऐसा भी नहीं हो सकता कि सारे के सारे बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले हों। कुछ लोग होते हैं जो बैक बेंचर्स होते हैं, कुछ होते हैं जो फ्रंट पे आके काम करते हैं। तो हमें हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी हम कोई टीम बनाएं, चाहे घर का काम करना हो, कोई छोटा प्रोजेक्ट करना हो या बड़ा प्रोजेक्ट करना हो, तो उसमें हम एक दूसरे को माफ़ करते हुए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए ये सोचें कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हमें साथ अपने साथी चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जो मिल के इस कोऑर्डिनेशन को लेके साथ चल सके। इसी तरह से मैंने आपको बताया ना, ये पूरी कायनात जो है वो पूरी की पूरी ग्रीनरी, हर चीज, किसी भी आप चीज को उठा के देख ले तो खूबसूरत तब लगती है जब कोऑर्डिनेट करती है। एक अकेला दरख्त खड़ा होगा तो कैसा लगेगा आपको? एक अकेली, आपने एक अकेली कोई बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन बना दिया तो वो कैसा लगेगा? हमेशा चीजें जो है कॉम्बिनेशन के साथ अच्छी लगती हैं। आपके ग्रुप में, आपकी फैमिली में कुछ लोग होंगे जो ग्रीन होंगे, कुछ लोग होंगे जो येलो होंगे। जब ये मिलके सारी रेनबो के कलर्स मिलते हैं तो बहुत खूबसूरत फैमिलीज बनती हैं, बहुत खूबसूरत रिश्ते बनते हैं, बहुत खूबसूरत टीम्स बनती हैं और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होती है। जितनी भी बड़ी कंपनी है आप देख लें, बहुत सारी इस पर रिसर्च है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट इस पर बात करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से ये जो हमारी टीम बिल्डिंग है, अगर कोई बंदा सक्सेसफुल हो गया है एक अच्छी टीम बनाने में, तो वो आप बिलीव करें कि उसको किसी भी जगह पे कभी भी किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं, दी बेस्ट रिसोर्सेज आर द ह्यूमन, द टीम, द टीम, द टीम। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, चाहे वो आपके घर में हैं, चाहे आपके ऑफिस में हैं, चाहे आपके स्कूल में हैं, किसी भी जगह पे हैं, आप अपने आप को, अपने बच्चों को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को टीम वर्क बताएं, इसकी अहमियत बताएं और सबसे पहले खुद करें और एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करें। क्योंकि ईगो जो होती है ना, ईगो का कोई एंड नहीं होता। ईगो सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को ख़त्म करती है। सिस्टम एक ऐसा है कि जो आपको ईगो को, जिस इंसान में जितनी ज़्यादा ईगो होगी उतनी ही ज़्यादा वो डाउन चलता जाएगा, डाउन चलता जाएगा। आप देखिएगा कि हमेशा वही लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे जिनको अपनी ईगो को टेकन केयर करना आता हो। ईगो होना एक नेचुरल बात है, ऐसा नहीं होता कि इंसान में अंदर होना हो। गुस्सा आना, कॉम्प्लीमेंट ना होना, एक दूसरे की तारीफ ना करना, आपको वो, आपने बहुत मेहनत की है, एक बंदा बिल्कुल मेहनत करने वाला नहीं लेकिन आपको भी टीम का वो मेंबर है, तो आप उसको एक साथ क्या करें? आप उसको छोटे छोटे टास्क देते हुए अपने साथ लेके चलें, आप देखिएगा कि किसी जगह वही खोटा सिक्का आपके बहुत काम आएगा। उम्मीद है आपकी हेल्प हुई होगी। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।